गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 11 पेन बोला के सही विकल्प करेंगे। लेसन नंबर 11 हमारा क्या था? लेसन नंबर 11 में पेड़ अपनी कथा सुनाता है। पेड़ अपने आप को एक कहानी सुनाता है। क्या कहानी थी? एक भले आदमी ने जो पेड़ का जो बीज था वो जमीन के नीचे खोदकर अपने खेत में डाल दिया, ठीक है। और जब हवा पानी बरसात आदि हुई तो पेड़ में क्या हुआ कि उसमें अंकुर फूटने लगा सूर्य के प्रकाश आदि से। और जो भला आदमी था वो डेली उसमें पानी भी डाला करता था। तो जब पेड़ में अंकुर फूटा, उसकी छोटी छोटी पत्तियां निकली, तो भला आदमी देखकर बहुत खुश होता है कि छोटा सा मैंने बीज बोया था, आज उसमें से अंकुर निकल गया। बहुत ज्यादा खुश होता है, ठीक है। और पेड़ हमारे लिए बहुत लाभकारी है। कि क्यों लाभकारी? कि पौधों से, पेड़ों से हमारे भोजन का अधिकांश भाग हमें प्राप्त होता है। आपको पता है पौधों से फल है, सब्जियां है, तेल है, दाल मसाले सब आदि हमें किससे मिलते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। भोजन का, हमारे भोजन का अधिकांश भाग हमें पौधों से प्राप्त होता है। इसके अलावा पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ऑक्सीजन यानी प्राणदाय वायु हमारे ऑक्सीजन देते हैं। कौन देते हैं? पौधे देते हैं। तो पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। और उसके अलावा जो हम सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, विषैली गैस छोड़ते हैं, वो भी पौधे अपने अंदर ग्रहण करके उसको शुद्ध करके वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। पौधों के द्वारा हमें हमारे भोजन का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। उसके अलावा पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, समझ गए। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो भी पौधे ग्रहण कर लेते हैं। अब ये कहानी जो है, ये भला आदमी है, ये बहुत ज्यादा खुश है, पेड़ के अंकुर जब निकल जाता है बहुत ज्यादा खुश होता है। अब इसके बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा शरारती हैं। पेड़ उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो कभी कभार उसके पत्तियां तोड़ देते हैं, जिससे पेड़ को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब उसके बाद ये एक और व्यक्ति दिखाया गया है। ये व्यक्ति देखो कितना निर्दयी है, और बिना कारण के ही पेड़ को काट रहा है, जबकि इसमें आम वगैरह उग रहे हैं। देखो कितना हरा भरा पेड़ है। अब ये व्यक्ति सोचता नहीं है। एक दिन की बात है कि एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ गया और आया और ऊपर प्रहार करने लगा, पेड़ को मारने लगा, कुल्हाड़ी से उस पे मारने लगा। अब वो जोर जोर से पेड़ चिल्लाने लगा कि मुझे मत मारो, मेरी क्या गलती है। लेकिन जो बुरा व्यक्ति था उसने नहीं सुनी और लगातार पेड़ पर वार करता रहा। अंत में पेड़ गिर गया। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी और सिसकता रहा पेड़ हमारा, रोता रहा, सिसकता रहा, लेकिन उसने मुझे काट कर गिरा दिया। मैं कितना भी रोया लेकिन उसको दया नहीं आई। आप देखो ना, एक दुष्ट व्यक्ति और एक ये भला आदमी है जिसने पेड़ लगाया, एक बीज को जमीन के नीचे डाला, नियमित रूप से उसमें पानी डाला और उसमें अंकुर फूटा, धीरे धीरे वो पेड़ बन गया। अब क्या होगा? इस प्रकार मेरा अंत हो गया, मुझे इस बुरे व्यक्ति ने काट दिया और मेरा अंत हो गया। मैं ये जीव जगत को यही संदेश दे रहा हूँ, मेरा तो अंत हो चुका है, मेरी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। वृक्ष धरा के है परिधान, जो वृक्ष है यानी पेड़ है वो धरा के वस्त्र है, तो इन्हें लगाना कार्य महान। धरती पर जितने पेड़ लगाएंगे उतनी ही हमारी धरा, हमारी धरती हरी भरी रहेगी और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वृक्ष से हमें सभी प्रकार के भोजन, पेड़ सभी प्रकार के फल, सब्जियां, दालें आदि प्राप्त होते हैं, तो ये हमारे लिए वृक्ष बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो हमें आज ही ये प्रण लेना चाहिए कि हम आसपास के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे, और यदि कोई पौधों को नुकसान पहुंचाता है तो हम उनका विरोध भी करेंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ सही विकल्प, हवा पानी और प्रकाश का बीज पर क्या प्रभाव पड़ा? बीज क्या सूख गया था? नहीं, बीज से अंकुर फूट गया। हवा पानी और प्रकाश से बीज में क्या हुआ? अंकुर फूट गया और वो आगे पेड़ बनने के लिए तैयार हो गया। बीज से अंकुर निकलने के बाद सर्वप्रथम क्या निकला?
बना। ये देखो चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया जा रहा है, बीज है और इसके अंदर सबसे पहले क्या निकली है, पत्तियां। वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं रात में, दिन में या रात दिन दोनों में। वृक्ष जो ऑक्सीजन है वो दोपहर यानी दिन के समय बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। वृक्ष कब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर रात के समय ग्रहण करते हैं यानी अपने अंदर लेते हैं। इसलिए रात के समय पेड़ों के नीचे सोना जो प्राचीन कथा है उसमें कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे रात के समय नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय साइंटिफिक रीजन है ये कि वृक्ष में रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। तो यदि व्यक्ति रात के समय पेड़ के नीचे सोता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो आपको पता लगा कि वृक्ष ऑक्सीजन तो दिन में क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ये आपके सही विकल्प है, अच्छी हैंडराइटिंग में इसको आपको करना है। लेसन नंबर 11 आज आपका कंप्लीट हो गया है। सही विकल्प बचे थे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये है निम्नलिखित मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा के शब्द, छोटी की मात्रा के शब्द, बड़ी की, अपने आप आपको शब्द लिखने हैं 10-10। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द को ये मैं करवा दूंगी, चलो इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगी दोनों का। बाकी लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया, अच्छी हैंडराइटिंग में आप इस वर्क को करेंगे। थैंक यू बेटा।